गुड इविंग एवरीवान सो लेट्सटार्ट दिस ब्लेंडेड ऑयल ओके सो पीछे आपने क्या क्या पढ़ा सो uh, एक्चुअली so हम क्लास क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथ साथ में हम डिटेल में भी पढ़ रहे हैं जो भी क्लास आपको आता है तो हम उसको डिटेल में भी पढ़ते हैं फाइन तो पीछे आपने पढ़ा हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स जिसमें आप आपने पढ़ा जिसमें कि तीन क्लासिफिकेशन है वी हैव ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स वी हैव सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स एंड वी हैव सॉलिड ल्यूब्रिकेन्ट्स ठीक है तो फर्स्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं हमने उठाया लिक्विड uh, ल्यूब्रिकेट्स और लुब्रिकेटिंग uh, ऑयल्स उसमें आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे हैं जैसे कि उसमें uh, आपका था वेजिटेबल ऑयल एनिमल ऑयल ठीक है ये सारा आपने पढ़ लिया मिनरल ऑयल भी आपने पढ़ लिया ठीक है नाउ वी कम टू द ब्लेंडेड ऑयल ठीक है तो जो जो उसके बाद आपको सिंथेटिक ऑयल्स इसके इसका जो लास्ट uh, ये है जो आपको पढ़ना है ठीक है क्लासिफिकेशन ओके सो सो द ब्लेंडेड ऑयल्स वट आर दीज ऑयल्स स्माल क्वान्टिटीज़ देखो हाँ ब्लेंडेड ऑयल्स कौन से ऑयल्स होते हैं ल्युब्रिकेनिक ऑयल्स होते जब भी आप चाह रहे हो कि आपको कुछ आपके ल्युब्रिकेटिक ऑयल में कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए ठीक है जो किसी ल्युब्रिकेटिंग ऑयल में नहीं है ठीक है तो आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस मिक्सचर में इस सॉरी मिक्सचर में नहीं इस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में तो आप काम क्या करते हो आप किसी दोनों दो लुब्रिकेट किसी भी दो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को मिक्स करते हो ठीक है तो वो मिक्स होना उसको बोलते हैं ब्लेंडेड ठीक है blended, ब्लेंड आपने ब्लेंड किया क्यों आपने किया क्योंकि आपको डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए इस लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए ठीक है तो सो सिंपल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सटिन सब्सटेंसेस आर एडेड टू लुब्रिकेटिंग ऑयल्स टू इम्प्रूव देयर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ठीक है प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए ठीक है सो दीज सबस्टेंसिज आर कॉल्ड एडिटिव जो सबस्टेंस आप ऐड करते हो ना ठीक है किसको लुब्रिकेटिंग uh, ऑयल को उनको हम क्या बोलते हैं एडिटिव क्या बोलते हैं याद रखता है एडिटिव सो द ऑयल्स टू विच एडिटिव आर एडिड आर नोन एज ब्लेंडिड ऑइल्स और वो ऑयल जिनका आप ये एडिटिव एड करते हो ना उनको बोलते हैं ब्लेंडेड ऑयल्स ठीक है आर कंपाउंडेड ऑयल्स याद रखना ब्लेंडेड ऑयल्स आर कंपाउंडेड ऑयल्स दीज ब्लेंडेड ऑयल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग डिजायर्ड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ठीक है रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर मशीनरी ठीक है किसी खास मशीनरी के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए ठीक है या डिजायर्ड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए जो आपको ब्लेंड करके आ, किस लुब्रिकेटिंग को ऑयल को एडिटिव साथ ऐड करके आपको ब्लेंडेड ऑयल मिल रहा है तो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही है फॉर

ओके फाइन सो हेयर यू हैव द टेबल टेबल में आपको एडिट्यू टाइप क्या है केमिकल यूज क्या है फंक्शन क्या है एंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है फ़ाइन सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट दैट इज़ आपको ये सारा याद रखना है ठीक है इसको बिल्कुल अच्छे से आपको रिमेंबर करना है किसके लिए ब्लेंडेड ऑयल के लिए आप जो एडिट्यू यूज़ करते हो उनका केमिकल यू यूज क्या करते हो केमिकल ठीक है और फंक्शन एंड ऐप्लीकेशन क्या है ठीक है सो एंटी ऑक्सीडेंट आर इनिबिटेड ठीक है ये है एडिट्यू टाइप एक इसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो क्या होता है एरोमेटिक फिनोलिक और एमाइनो कंपाउंड्स ठीक है ये सारा मुझे ज़रूरत मुझे नहीं लगता है मुझे आप डिस्कस करना है एरोमेटिक फिनोलिक और एमाइनो कंपाउंड्स कौन से होते हैं ठीक है थीके? ये आप खुद भी देख लो ये आपने पढ़ा है प्राइमरी क्लास में ठीक है सो फंक्शंस क्या है रिटार्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स ठीक है बाई गेटिंग डेमसेल्स प्रेफरेंशली ऑक्सीडाइज ठीक है और एप्लीकेशन क्या है यूज इन या एडिड इन ल्यूब्रिकेन्ट्स यूज इन इंटरनल कम्बस्टन एजेंट्स जो आप इंटरनल कम्बस्ट इंजन के लिए आप ये ब्लेंडर टाइप ऑयल यूज कर सकते हो ठीक है ना तो दूसरा ऑयलनेस कैरियर ऑयलिनस यहाँ पर नहीं हो गया कि ये कितना ऑयली है ठीक है ऑयली ऑयलीनेस नहीं हो गया लुब्रिकेशन में ये कितना ऑयली है बल्कि ऑयलीनेस को अगर आप डिस्कस करोगे ठीक है आगे भी आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डुब्रिकेट्स ऑयलीनेस हो गया कि इसको कितनी कैपेसिटी uh, है कि ये स्टिक uh, हो जाए ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल सर्फेस किसी भी मशीनरी में ठीक है तो इसकी कितनी टेंडेंसी है कि ये स्टिक हो जाए ठीक है uh, किस पर मेटल सरफेस पर उसको बोलते हैं उसकी कितनी ऑयलिनैस है ठीक है तो जितनी ज़्यादा ऑयलिनस होगी ना उतना ही तो अच्छा होगा ना हमारी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के लिए या मशीन पार्ट्स के लिए ठीक है so, सो यहाँ देखते हैं आप केमिकल यूज क्या करते हैं आप इस टाइप के लिए वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल फैटी ऑयल्स लाइक स्टेरिक एसिड पॉलमिटिक एसिड ठीक है इन सबको आप मिक्स करते हो तो फंक्शन क्या है इंक्रीज़ द ऑयलनेस ऑफ द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया जितना ऑयल इन ज्यादा होगा उतना ही आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या है वो बहुत अच्छा होगा ठीक है सो एडिड एप्लीकेशन अगर देखेंगे एडिड इन ल्यूब्रिकेंट्स यूज इन बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन ठीक है ये है मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन के तीन है उसमें एक मैकेनिज्म है बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन ठीक है जो आपको आगे पढ़ना है तो उसमें हम ये वाला एड कर सकते हैं, एडिट टाइप क्या है इसमें हम वो यूज़ कर सकते हैं सो मूविंग टू द थर्ड द विस्टी इंडेक्स इम्प्रूवर देखो एक और प्रॉपर्टी है दैट्स विस्कॉस्टी और विस्कास्टी इंडेक्स में एक टर्म आता है जो आपको आगे डिटेल में पढ़ना है यहाँ मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि विस इंडेक्स हो गया चेंज इन द विस्टी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ठीक है तो ये विस्कास्टी इंडेक्स इंप्रूवर क्या है ये एडिटिव टाइप क्या है यहाँ पॉलीमर्स एंड कोपोलिमर्स ऑफ ऑलिफिनस ठीक है इंक्रीज विस्कॉस्टी इंडेक्स ठीक है विस्कास्ट तो जितना विस्कास्ट इंडेक्स ज़्यादा होगा वो बहुत अच्छा हो गया हमारे ल्यूब्रिकेट के लिए तो आपको तो डिज़ायर प्रॉपर्टी मिल रहा है ना फंक्शन में कि आपको विस्कास्टी इंडेक्स इंक्रीज होता है तो एप्लीकेशन की बात करते हैं एडिट इन द मशीन्स वर्किंग अंडर ब्रॉड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर चेंज ठीक है uh, uh, जहाँ पर आपको मशीन्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत चेंज होता है तो वहाँ आप ऐसा एडिटो टाइप ब्लेंडेड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो जो आप इनसे मिक्स मिक्सिंग जो आप मिक्स करते हो ऑयल को विद किसके साथ एडिटो टाइप को और आपको मिलता है क्या ब्लेंडेड ऑयल ओके पोअर पॉइंट ठीक है आप फिलहाल याद रखो पोअर पॉइंट भी आपको आगे पढ़ना है ठीक है या आप फंक्शन ऑफ़ लुब्रिकेंट्स में आता है ठीक है फिलहाल के लिए याद रखो अब मैं अगर आपको इनको ये करूँगी डिफाइन तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिलहाल याद रखो क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है इस टाइम ठीक है आपको याद रखना तो इसमें है एल्काइलेटेड नेपथिलीन एंड फिनोलिक पॉलीमोस पॉली मिथाक्रेलेट्स ठीक है तो लोअर एंड लोअर द पोअर पॉइंट ऑफ द ऑयल ठीक है पोअर पॉइंट कम करता है तो यानी ये हमें कुछ है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए पोअर पॉइंट का कम करना ठीक है तो रिड्यूसिंग इंटरलॉकिंग ये एप्लीकेशन में ये इंटरलॉकिंग जैसे वो वैलीज है ठीक है पीक्स है ठीक है एस्प्राडजीज है उनको ये क्या करता है रिड्यूस ठीक है ना सो फिफ्थ क्या है ओके सो फिफ्थ इज डिटर्जेंट्स एंड डी फ्लो ठीक है इसमें क्या है बेस कैल्शियम एंड बैरम साल्सा फॉस्फेट्स एंड सल्फोनेट्स ठीक है रिड्यूस और प्रिवेंट डिपॉजिट्स ठीक है यूज इन इंजन ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर्स ठीक है ऐसे ही बहुत सारे हैं ठीक है थीके? जैसे कि क्रोजिन इन्हेबिटर्स ठीक है आप इसको सिक्रीन शॉट उठा के सारा मैंशन करना और याद रखना ठीक है क्रोजन इन्हेबिटर्स इसमें क्या है ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिंक डाइथियोफॉस्फेट्स ठीक है इसमें ये क्या करता है ये फंक्शन वाला पार्ट है ठीक है इट्स फंक्शन येस yes, फंक्शन so में आपको क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है मेटल इन कंटैक्ट विद ल्युब्रिकेट फ्रॉम कोरोजन ठीक है कोरोजन का ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो इन ल्युब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज फॉर बेयरिंग एटस्ट्रा ये इसका एप्लीकेशन है ठीक है ऐसे आप इसका स्क्रीन शॉट उठाना ठीक है और ये सारा आप इसमें मैंशन करना ये था ब्लेंडेड uh, ऑयल इसमें क्या डिफरेंट एडिट्यूज आप यूज़ करते हो ठीक है डिफरेंट ऑयल्स भी यूज कर सकते हो ठीक है इनका मिक्सचर और उसको होते उसको बोलते हैं ब्लेंड करना और आपको मिलता है ब्लेंडेड और उनके जो एप्लीकेशंस आप सारा ये स्क्रीन uh, शॉट के इसको मैंशन करना तो ये था ब्लेंडेड ऑयल ठीक है एडिट्यूड क्या थे इसमें केमिकल यूज क्या है फंक्शन क्या है और एप्लीकेशन क्या है फाइन तो uh, uh, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक uh, ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है थीके? तो अभी हम पढ़ रहे हैं ल्यूब्रिकेटिंग वॉय्स आप खुद ही देखो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा ठीक है तो मैं कोशिश करूँ मैं आपके लिए बहुत इजी बनाऊंगी ठीक है ताकि आप अच्छे से नोट डाउन करें ठीक है अच्छे से याद रहे और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बोरिंग नहीं लगना चाहिए ठीक है होप इतना आपको समझ आया